वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। एक नए साल और दशक के पहले दिन मन में पहला ख्याल यह आता है कि हम क्या क्या लेकर आगे जा रहे हैं। एक व्यक्ति ही नहीं देश के संदर्भ में भी यह प्रश्न उठता है। बीता दशक भारी बदलावों के लिए याद किया जाएगा, खासकर प्रशासनिक कामकाज के स्तर पर। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 6 महीनों में कुछ नई संस्थाएं बनाई तो कुछ का रूप बदल दिया। इसके पीछे सरकार का तर्क यह था कि वह कामकाज की जड़ता को तोड़कर एक नई कार्य संस्कृति विकसित करना चाहती है। वह चाहती है कि नौकरशाही की जटिलता समाप्त हो, त्वरित फैसले हों और जनता को इसका लाभ मिले। इस दृष्टि से सरकार ने योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह नीति आयोग गठित किया। कहा गया कि योजना आयोग ऊपर से योजनाएं थोपता रहा है, जबकि नीति आयोग ग्राम स्तर से योजनाएं बनाकर ऊपर तक पहुंचाएगा। आरबीआई के कामकाज में तब्दीली के लिए सरकार ने मौद्रिक नीति समिति MPC का गठन किया। सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाना है। नौकरशाही में सुधार के मकसद से सरकार ने विभिन्न विषयों पर सचिवों के 8 समूहों का गठन किया और फिर सिविल सेवा में लेटरल इंट्री का प्रावधान किया, जिसके जरिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विभिन्न मंत्रालयों में सीधे संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया। CDS का दायित्व थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल लाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना होगा। रेलवे की 8 विभिन्न सेवाओं को मिलाकर एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस नामक एक नई सेवा का गठन किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड का ढांचा भी बदलेगा और इसमें कई स्वतंत्र अनुभवी विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक मशीनरी का आदर्श यही है कि वह अपने चरित्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रित, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह हो। लेकिन मोदी सरकार के ढांचागत बदलाव पहली नज़र में केंद्रीयकरण की ओर झुके जान पड़ते हैं। स्वदेशी जागरण मंच जैसी संस्थाओं का भी कहना है कि नीति आयोग की रिपोर्टों में जमीनी समझ की कमी है। उसके पास योजना आयोग जैसे अधिकार भी नहीं हैं। ऐसे में उसके होने का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। रिजर्व बैंक में बदलाव से गवर्नर
की स्वायत्तता बाधित होने की बात कही जा रही है। आरबीआई के फैसले सरकार की चिंताओं से संचालित जान पड़ते हैं। नौकरशाही में लेटरल एंट्री या रेलवे सर्विस में बदलाव को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि इससे नौकरशाही में चाटुकारिता की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सीडीएस को लेकर भी शंकाएं बहुत हैं, लेकिन इसके कामकाज से जुड़े ब्यौरे अभी आने बाकी हैं। इन सारे बदलावों की असल परीक्षा 2020 के दशक में ही होनी है। स्टॉप। अगर डिटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे डिटेशन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।